हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स अफिनिटी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। सो ट्रिग्नोमेट्री का नया वीडियो, क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। और आज हमने जैसा कि थंबनेल में आपको बताया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी फार्मूला बेस्ड के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कॉस 2a साइन 2a साइन 3a कॉस 3a टैन 2a इस टाइप के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद साइन c प्लस साइन d वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कुल मिला के भी इस वीडियो के बाद 3 वीडियो और आएंगे जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बताएंगे। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाइट एंड 3 वीडियो के आने के बाद एक वीडियो से एक ऐसा होगा जिसमें सबसे टॉप लेवल के मतलब हार्ड लेवल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे, उससे हार्ड कुछ नहीं, ठीक है। तो वो वीडियो आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, दिख रहा तो होगा ही आपको। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं जो यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ इनको भी करिए। और आपके पास जो भी बुक है क्लास 10th में, आपके पास जो भी बुक है वो आप अपने उस बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नोट करूँगा, देखो मैं नोट करूँगा, फिर उसको आपको खुद वीडियो को रोकना है और पॉज करना है और आपको खुद सॉल्व करना है। जब आपसे सॉल्व हो जाए तो तब खोलना, और नहीं हो पाए तब खोलना, ठीक है। लेकिन 5-10 मिनट सॉल्व करो, नहीं हो पाता है तब खोलना, ठीक है वीडियो। चलिए मैं बताता हूँ, पहला क्वेश्चन आपको मैं दूँगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये लग रहा है आपको, टेन 47 प्लस टेन 43 वन माइनस टेन 47 टेन 43 दिया है, तो ये आपको कुछ टेन 47, तो क्या ये टेन ए प्लस बी जैसा फार्मूला लग रहा? तो जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पर ए की जगह 47, बी की जगह 43, 47 प्लस 43 हमारा हो जाएगा टेन 90। और टेन 90 की वैल्यू क्या होती जानते हो? साइन 90 की वैल्यू क्या होती थी? 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती थी? 0। तो टेन 90 की वैल्यू हमारी होती है इनफाइनाइट, समझ पाए? इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। तो चलो एक और क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो रोकता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिख देता हूँ। वरना क्वेश्चन लिखने में भी टाइम बर्बाद होता है, तो वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो लिखा है क्वेश्चन हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यार ये तो फार्मूला है, आपने अगर मेरा फार्मूला जब मैंने बताया था शुरू में तो वो नहीं देखा है, तो भाई नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। सब ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, सभी वीडियोस देखना अगर आपने अभी तक एक भी मेरे वीडियो नहीं देखे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो हम साइन ए प्लस बी लिखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार, और ए प्लस बी हमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पर कंडीशन पाई, तो ए प्लस बी की जगह हम पाई डाल देते हैं। मैंने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक लोग बताते हैं और दो वीडियो लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री के जब सब कुछ हो जाता है, लास्ट में दो वीडियो में वो पूरा सब कवर कर देते हैं, सारे फार्मूला के सभी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, सभी के क्वेश्चन दो ही वीडियो में उनके ख़त्म होते हैं। लेकिन मैं आपको फार्मूला बेस्ड वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे कि आज साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, आप ही जान जाएंगे। तो साइन देखो पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो हम जानते हैं, हमको साइन 90 की वैल्यू पता है एग्जैक्ट, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 180 की साइन 180 की वैल्यू श्योर 0 होगी, तो साइन 180 वैल्यू 0। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन हमारा है टेन ए प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है, हमें टेन ए की वैल्यू 1/2 दी गई है, टेन बी की वैल्यू 1/3 दी गई है, तो हमें टेन ए प्लस बी बताना है। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर दो। मैं जो देखो इसके बाद मैं कोई दो वीडियो और लाऊँगा, सॉरी तीन वीडियो और लाऊँगा,
फार्मूला बेस पे एक एक वीडियो लाऊंगा इस टाइप से। फिर जब इसके बाद जो इसके बाद तीन वीडियो के बाद जो चौथा वीडियो होगा उसमें सभी फार्मूला के एकदम हार्ड लेवल एकदम बेस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो वीडियो के इंतजार करो, बहुत मस्त होगा। टेन ए प्लस बी का फार्मूला हम जानते हैं, टेन ए प्लस टेन बी। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो भाई पिछले वीडियोस देखना पड़ेगा। हमें देखो टेन ए की वैल्यू 1/2 दी गई है, टेन बी की वैल्यू 1/3 दी गई है, नीचे भी 1/2 1/3 डाल देंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1/6 और नीचे आएगा 1-1/6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/6/5/6। 6 से 6 कट गया, दिखाई दे रहा 6 से 6 कट गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10a+b की 1/5, जो कि हमसे पूछ रहा था। चलो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कर लिया, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 चौथा है। हमें बताना है उसी तरह क्वेश्चन की तरह साइन ए माइनस बी की वैल्यू जब हमें कॉस ए 12/13 दिया है और कॉस बी 8/17 दिया है। तो देखो हम जानते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमें कॉस ए कॉस बी की तो वैल्यू दी गई है बट साइन ए बी की नहीं वैल्यू दी गई, तो क्या हुआ हम निकाल लेंगे। कॉस ए होता है बी बेस बाई हाइपोटेनस, तो हमें बेस की वैल्यू दी गई, हाइपोटेनस की जगह परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम, इसका भी मैंने प्रूफ करवाया हुआ, देख लेना वीडियो। एच यहाँ पर एच हमारा 13 स्क्वायर यानी कि 169, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस 144 से 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू पर है पी स्क्वायर, तो 94 5 5 5 4 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी हमारे, देखते हैं एक बार। 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 सॉरी 2, 6 माइनस 4 वही मैं कहूँ, और तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। तो हमारे यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू मैं देखो इतना इरेज करने जा रहा हूँ, नोट कर लिया ना, इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आई है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 5/13। उसी तरह कॉस भी हम निकालते हैं तो 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता बताओ यार, प्रॉब्लम हो गई, सॉरी दिख रहा ना, हमें फ्लैश ज़्यादा पड़ रहा को, अब देखना। तो 17 का स्क्वायर आपका होता है 29, ठीक, और 8 का स्क्वायर होता है 84 को इधर ले आया और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9-4 5 और 8-6 2 2 5, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आई हमारी 15। हाँ 225 का रूट होता है 15, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो 15 आई। तो हमारा यहाँ से कॉस ए सॉरी साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/17। चलो अब इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखते हैं और वैल्यू डाल देते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू फिर 5/13, कॉस बी की वैल्यू 8/17, माइनस कॉस ए की वैल्यू 12/13, साइन बी की वैल्यू 15/17। यार ये तो बहुत बेकार कैलकुलेशन होगा, चलो कल आप अपने आप कर देना, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, चलो बता देता हूँ, अच्छा थोड़ा बता दूँगा। 13 × 17 तो 40/13 × 17 माइनस 12 × 5 = 60 किस जीरो।
12560 के जी। तो 06 कैरी किया और 12 × 12 और 12 में 6 कैरी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 80/13×17। इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा 0 और माइनस का 8 × 4 −140/13×17। इसको आप कैलकुलेट करना है, इसमें वैल्यू बतानी ना कि कोई प्रूफ करना है, तो आप इतना भी कर देंगे तो सही है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस घबराना मत। cos 45° + a प्रूव करना है इसमें, cos a − sin a प्रूव करना है। प्रूफ जो क्वेश्चन मैं प्रूव करने लगा हूँ मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। प्रूफ तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, आप LHS पकड़ लो चाहे RHS पकड़ लो, RHS से भी आ जाएगा इसमें और LHS से भी आ जाएगा। तो चलो मैं हमेशा की तरह LHS ही लूँगा। cos a + b का फार्मूला रहता है, cos a + b का फार्मूला तो आप जानते होगे ना, cos a cos b माइनस sin a sin b। दो लाइन का क्वेश्चन नहीं है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos a हो जाएगा, माइनस sin 45 की वैल्यू होती है sin a। देखो हमारा प्रूविंग आ गया, 1/√2 हम पूरे में कॉमन ले सकते हैं, तो डिब्बे में लिख दो cos a − sin a। ये आपका प्रूफ हो चुका है। चलो नोट कर लिया, कर लो नोट, मिटा लें हम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नोट कर लेता हूँ ना, बहुत टाइम हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया tan 45 + a 1 − tan a / 1 + tan a। क्वेश्चन नंबर है 6। देखो भाई इससे पहले भी मैं कई बार क्वेश्चन, देखो मैंने बहुत क्वेश्चन आपको करवाए हैं, अगर आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो नंबर 1 से देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए, इतना शायद ही कोई करवाया होगा क्वेश्चन, मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए। मैंने जिस क्वेश्चन में, मैंने जिस वीडियो में बेस सिर्फ क्लियर करना था जिस, उसमें मैंने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाए। जिस वीडियो में सिर्फ आइडेंटिटीज बता दी जाती हैं मैंने उसमें आइडेंटिटीज का प्रूफ भी करवाया, अलग वीडियो बना के भी प्रूफ कराया और उस वीडियो में प्रूफ कराया। फिर उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन भी करवाए और अभी मैं और भी 3 वीडियो में क्वेश्चन डालूंगा। फिर उसके बाद एक सीरीज वो आएगी हार्ड लेवल क्वेश्चन, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के लगभग 100 वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं काउंटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। tan a + b का फॉर्मूला लग रहा है, tan a + tan b / 1 − tan a। मैं देखो बहुत एकदम से हार्ड क्वेश्चन नहीं देता हूँ आपको, कोई भी फार्मूला भेज, चूँकि आप इससे घबरा जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आप इससे पल्ला झाड़ लेंगे। तो चलो टेन ए 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 और नीचे 1 − tan 45 की वैल्यू ये होती है। तो अब देखो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, 1 + tan a / 1 − tan है, बट हमसे क्या कहे क्या रहा है कि 1 − tan a / 1 + tan a प्रूव करो, क्या यही सही है प्रूविंग। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसको वह या मार्कर में दिक्कत, 1 − tan a से कॉन्जुगेट कर देता हूँ और 1 − tan a से ही करता हूँ। तो ऊपर a + b 1 − tan a² a बन जाएगा और नीचे 1 − tan a का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो ओहो माई गॉड, इसको एक काम करो, ऊपर वाले को 1 − tan² का मत बनाओ, इसी तरह लिखा रहने दो, 1 + tan a 1 − tan a। अब देखो नीचे 1 − tan a का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, वो हमें मुझे लगा था प्रूविंग गलत है, लेकिन प्रूविंग नहीं गलत है, बहुत अच्छा है। 1 + tan a 1 − tan a और नीचे 1 − tan a का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, तो ये और ये कट जाएगा, इसकी एक पावर कट जाएगी और इसका ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 + tan a / 1 − tan a। देखो यहाँ पर इतना आया था, ऊपर शायद प्रूविंग में ही गड़बड़ है, तो वही आ गया जो यहाँ पे आया था, प्रूविंग में ऊपर नीचे है, यहाँ पे प्लस कर लो यहाँ पे माइनस करो, यही है।
यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, इतना ही आएगा प्रूविंग। ये इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं, तो प्रूविंग इतनी ही आएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो गलत थी कीजिए प्रूविंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 7, साइन 45 डिग्री प्लस ए साइन 45 डिग्री माइनस ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का मुझे लगता है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब हार्ड नहीं है, बस अच्छा ही है क्वेश्चन। क्या कर सकते हो इसमें आप बताओ, बताओ। कॉस 2 लाना है और हमें साइन में अजीब व गरीब टर्म दिए हुए हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, बोलो। नहीं बता, चलो मैं बताता हूँ। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 2 से डिवाइड कर सकते हो। अभी देखना फ़ायदा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया, हमारा फार्मूला बन चुका है। LHS लिया हमने, अब इतना गौर करो, ये क्या कोई 2 साइन है, साइन बी का फार्मूला लग रहा, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा आउट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले फार्मूला। चलो कोई बात नहीं, इसी को देख लेते हैं। साइन ए साइन 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लग रहा, तो हम यह क्या करेंगे, 1/2 इधर लिख देंगे, और साइन ए माइनस साइन ए साइन बी का सबसे अलग फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। फिर होता है माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर 45 से 45 बच जाएगा, कट जाएगा ऊपर, यहाँ पे बचेगा कॉस 2a माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू तो सभी को पता है 0 होती है, तो हमारा आ गया कॉस 2a। ये हमें प्रूव करना था, और ये देखिए हमारा प्रूव आ चुका है। हालांकि क्वेश्चन मैंने आपसे जो कहा था उससे थोड़ा पता नहीं बाहर आ गया, तो वैसे कोई बात नहीं, कर दिया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ये भी बात को बताती, बहुत बार पेपर में आया, तो चलो नोट कर लो इसको। नोट कर लिया, चलो अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, अब आखिरी के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो सबसे मस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कॉट, अच्छा आपने चीज़ ध्यान दी कि मैंने टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस ई का फार्मूला बताया था आपको, ऊपर कॉट का नहीं फार्मूला बताया था, तो यार वो तो आपको मैं बताऊँ चाहे ना बताऊँ, आपको पता ही होना चाहिए कि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो बस रिवर्स कर दो फार्मूला, बात तो वही है। फॉर्म क्वेश्चन दिया हमें कॉट 45 माइनस थीटा, सॉरी हाँ वही लिखा है, और इनटू कॉट 45 प्लस थीटा 1 प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कॉट का फॉर्मूला उल्टा होता है टेन का, तो टेन ए प्लस बी, तो टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए प्लस टेन, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन, इसी तरह इसमें हो जाएगा कॉट ए कॉट बी, सॉरी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1। सुनो रुको रुको रुको, 1 माइनस टेन ए, टेन ए माइनस टेन बी, सॉरी यहाँ पर ये होगा टेन कॉट, अरे यार उसी तरह यहाँ पर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और यार कुछ नहीं डरावना ये क्वेश्चन था, कॉट 45 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन, यहाँ भी 1 माइनस कॉट थीटा इनटू मल्टीप्लाई है लगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, ये से ये चला जाएगा, इनका काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और कॉट थीटा माइनस 1 और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो वही बन जाएगा, तो माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे मुझे लगता है प्रूविंग में माइनस वन ही आएगा। तो चलो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो आप मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। और आज की वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं लेकिन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग कई लोग इसको देख कर डर सकते हो, पर डरना मत। प्रूव करना है इसमें आपको, क्या प्रूव करना है, रूट थ्री बाई टू प्रूव दैट, प्रूव समझ गए हो यार, प्रूव करना है रूट थ्री बाई टू। ठीक, तो बहुत ही, जो लोग देखो कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, वैल्यू रखने लगेंगे, साइन पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई ट्वेल्व, गलत, सही आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन क्या मतलब इतना लफेड़ा जमीना करने से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लग रहा फार्मूला, लगा दो वही साइन ए प्लस बी, तो मार्क करने गड़प फट, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो पाई बाई फोर प्लस पाई, रुको भाई अब मैं मार्कर पहले सही करता हूँ तब आपको बताऊँगा। हाँ तो सही हो गया, पाई बाई फोर प्लस फाइव बाई ट्वेल्व लिखा, आपको बता चुका हूँ, तो इसको एलसीएम भी ले ले, देखो फिर से गड़बड़, साइन इसमें एलसीएम ले लिया 48, ऊपर हो जाएगा 12 पाई प्लस फोर पाई, 12 पाई प्लस चार पाई, 16 पाई प्लस पाई बाई थ्री, और साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू, अब कुछ लोग कहेंगे पाई बाई थ्री की वैल्यू तुमने साइन की टेबल में कुछ भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी, नहीं यार पढ़ी है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, और 180 बाई थ्री डिवाइड करो कितना आएगा 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू, तो यार रूट थ्री बाई टू ही आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रूफ करना था और आपका प्रूफ हो चुका। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम सीधे आपको होमवर्क दे देंगे, होमवर्क क्वेश्चन को जरूर ट्राई करा करो यार, और अपने आप से चेंज हो जाएगा। ओके 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 ओके, समझ में आई बात, चलो चलो। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो मैं आपके लिए होमवर्क लेकर आया था, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू 1/√2, प्रूव दैट इन होमवर्क, आंसर योर, गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी तो धमाका होने वाला है, मतलब कि बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए प्लीज़ यहीं पर वीडियो, तो सॉरी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया के आपकी जो भी ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप फेसबुक सब पे शेयर कर देना। तो वीडियो को यहाँ पेंड कर देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बताओ आंसर तुरंत अभी, और जो लोग सबसे पहले बताएंगे उनका नाम भी मैं दूंगा। देखते हैं क्लास 10th में आप हैं कितना आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करना जरूर, ठीक हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।